फिनलैंड की वजह से रूस यूक्रेन जंग और भड़केगी, शोइगु की वार्निंग दी है विजुअल्स के साथ। रक्षा मंत्री शोइगु की फिनलैंड को न्यूक्लियर वार्निंग। बेलारूस में रूस के फाइटर जेट पहले से तैनात। शोइगु की रूसी न्यूक्लियर वेपन से हमले की धमकी। रूस की न्यूक्लियर वार्निंग सीधे आई है यहां पर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु की नेटो को न्यूक्लियर अटैक की धमकी है, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। बेलारूसी जेट अब न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है, शोइगु ने कहा है। इस्कैंडर रॉकेट सिस्टम ने बेलारूस में मोर्चा संभाल लिया है। बेलारूस में फाइटर जेट और इस्कैंडर न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग से सिर्फ 125 किलोमीटर दूर है फिनलैंड, यह उन्होंने कहा है। सोचिए जरा, सबके बीच में बेलारूस में पुतिन की एटमी तैयारी, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर वेपन पर रक्षा मंत्री शोइगु का बड़ा खुलासा विद द विजुअल्स। इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम बेलारूस भेजा, शोइगु ने कहा। बेलारूस के सैनिकों ने एटमी वेपन की ट्रेनिंग शुरू की। न्यूक्लियर मिसाइल और टैक्टिकल वेपन से ट्रेनिंग, ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, एक बहुत क्विक रिएक्शन में जनरल सिन्हा सर से लेना चाहूंगा। सिन्हा सर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन प्लीज। बेलारूस कितना बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है खासकर फिनलैंड वाली खबर के बाद? देखिए निशांत, बेलारूस का यदि आपको याद होगा 24 तारीख जो पिछले साल का है जब उसने लॉन्च किया था तो वहां पर न्यूक्लियर ड्रिल ही हुआ था और बेलारूस और उसमें दोनों थे, लुकाशेंको भी थे और यहां पर अपने पुतिन भी थे। वही चीज अब आप देख रहे हैं वो जमीन में कार्यरत होती हुई। ये तो 100% होना था, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ला रहे हैं अभी और उन्होंने कह दिया कि उनके पास तो, और आपने जैसा इस्कंडर मिसाइल की बात की तो ये तो है ही है। और इसमें सबसे ज्यादा डर किसको है, होना चाहिए पोलैंड को, और पोलैंड इसके लिए संज्ञान ले चुका है इसके ऊपर। तो ये फिनलैंड बिना बात ना मतलब को नाटो इसको जो बढ़ा रहा है, एस्केलेट कर रहा है। ये केवल जो बात कर रहे थे सुधांशु साहब के, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर का 150 टैंक है फिनलैंड के बाद, 22,000 सोल्जर हैं और वो बोलता है हमें डर लग रहा है। ये क्या आप ये बताइए, देखिए ये दिस इज नॉट द बैटल लाइट, यू नो स्ट्रेटजिक लेवल पे जब आप नाटो के साथ ज्वाइन करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। नाटो तो सर मैं आपको अभी एक और हंसी की बात बताता हूं, जिस मुल्क के पास 150 टैंक से थोड़े ज्यादा होंगे 22,000 सोल्जर है, 22,000 मतलब 22,000 तो भारत ऐसे ही कहीं ट्रांसपोर्टेशन में आपको कई बार जाते हुए दिख जाते होंगे हमारे सोल्जर किसी स्टेट में, मतलब जो जो आउटस्कर्ट्स में जहां पर जब हम लोग मोबिलाइज थोड़ा बहुत करते हैं, उनकी टोटल स्ट्रेंथ इतनी है।